बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है स्टॉप। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन स्टॉप। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर स्टॉप। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है स्टॉप। सुख की व्याख्या बदल गई है स्टॉप। उपभोग भोग ही सुख है, एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में स्टॉप। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं स्टॉप। पैरा, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है स्टॉप। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए स्टॉप। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है स्टॉप। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है स्टॉप। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है स्टॉप। जो चाहे चुन लीजिए, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक स्टॉप। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञप्ति और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है स्टॉप। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं स्टॉप। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करता है स्टॉप। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन स्टॉप। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन स्टॉप। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी स्टॉप। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30,000 की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है स्टॉप। पेरिस में परफ्यूम मंगाइए, इतना ही नहीं और खर्च हो जाएगा स्टॉप। ये प्रतिष्ठा चिन्ह हैं कॉमा, समाज में आपकी हैसियत जानते हैं स्टॉप। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं, पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन दो दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं स्टॉप। पैरा, छोड़िए इस सामग्री को स्टॉप। वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए स्टॉप। जगह जगह बुटिक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं स्टॉप। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी, उसमें यदि यही काम लेना हो तो
4-5 सौ में मिल जाएगी स्टॉप। हैसियत जानने के लिए आप 50-60 हज़ार से 1-1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, क्योंकि बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें स्टॉप। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है स्टॉप। खाने के लिए 5-सितारा होटल हैं स्टॉप, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5-सितारा अस्पतालों में आइए स्टॉप। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5-सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए स्टॉप। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर स्टॉप। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे स्टॉप, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी स्टॉप। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है स्टॉप। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावाद समाज की स्टॉप। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं स्टॉप। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी स्टॉप पैरा। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है स्टॉप पैरा। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी आ रहे हैं, उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं स्टॉप। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं स्टॉप। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं स्टॉप। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी स्टॉप पैरा। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञप्ति शीतल पेयों से स्टॉप, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों स्टॉप। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य स्टॉप। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी स्टॉप। हमारी संस्कृति अस्मिता का रास तो
हो ही रहा है, कॉमा हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, स्टॉप विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठे तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रकृत बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, स्टॉप भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, स्टॉप।